आजकल स्मार्ट वॉचेस का पूरा ट्रेंड चल रहा है और कंपनीज धड़ाधड़ स्मार्ट वॉच निकाल रही है। आज हमारे पास है फायरबोल्ट टॉक और इसका मॉडल नंबर है BSW004। अब जैसे इसके नाम में ही टॉक है तो ये कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है, तो आज हम देखेंगे कितनी बढ़िया स्मार्ट वॉच है ये, कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, आपको लेनी चाहिए या नहीं। और इसका जो प्राइस है प्रेजेंटली 5000 चल रहा है और सेल में आपको 4500 के अराउंड मिल जाती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इसके बारे में, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब बाद में कर देना, कोई बात नहीं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी बाद में कर देना, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो इसके अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो टॉप से कुछ ऐसा बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपकी वॉच बनी है, यहाँ पे इसका मॉडल लिखा है और यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग और ये ट्रैकिंग व्रैकिंग लिखी है। यहाँ पे भी कुछ फीचर्स लिखे हैं, पीछे भी कुछ फीचर्स लिखे हैं, यहाँ भी फीचर्स लिखे, फीचर्स ही फीचर्स लिखे भाई साहब। अब इतने फीचर डब्बे पे दिए, सारे डब्बे बता दूंगा तो फिर आगे वीडियो के लिए क्या बचेगा। तो बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले हमारी निकलती है स्मार्ट वॉच और उसके ऊपर कुछ ये कवरिंग सी लगी हुई है, इसको उतार लेते हैं। ओ वाओ, तो कुछ ऐसी वॉच निकलती है। तो हमारे पास ग्रीन कलर है इसके अंदर और बाकी और कलर भी अवेलेबल होंगे, तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। जो भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे आप अपने हिसाब से बाय कर सकते हो अगर पसंद आएगी तो। उसके बाद निकलती है हमारी चार्जिंग केबल जो पोगो पिन वाली है। ओहो, कागज देखो भाई। आओ भाई, रम्मी खेलते हैं। आओ, 3 महीने का गाना का सब्सक्रिप्शन, बोल्ट ऐप की मेंबरशिप, Z5 का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और एक ये आपका वारंटी कार्ड और एक बहुत बड़ी यूजर मैनुअल। अभी कुछ दिन पहले एक फायरबोल्ट की वॉच का रिव्यू किया था, यहाँ पे थंबनेल आ जाएगा, मुझे मॉडल याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर भी ये सारे सब्सक्रिप्शन और ये सारे कार्ड्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो फायरबोल्ट बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, बढ़िया सर्विसेज देता है। वैसे तो आजकल सारी वॉच भी दे रही है, बट ये कुछ एक दो एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो अच्छी बात है। और बात रही भाई इसकी यूजर मैनुअल की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ वॉच के बारे में ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता होती, तो यूजर मैनुअल पढ़ लेना, मैंने पढ़ी है। वैसे मेरी वीडियो देख लोगे उसके बाद तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना, मतलब फुल नॉलेज। और हाँ, एक चीज कुछ आज लाइटिंग में फर्क लग रहा होगा, बैकग्राउंड में लाइट्स जला दी है मैंने, मतलब जो सीलिंग लाइट्स हैं। तो पहले वीडियो कुछ इस तरीके से बना रहा था मैं और अब वाली जो वीडियो बना रहा हूं वो कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, तो मेरे को बताना कि बैकग्राउंड ब्राइट अच्छा लग रहा है या डार्क अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे। कमेंट करके जरूर बताना क्योंकि तुम लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी है, तुम्हें जैसे पसंद आएगी मैं वैसे कर लूंगा, समझ रहे हो। तो अगर आउटर से बात करें तो वॉच का जो डायल है वो मेटल का है और जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन की है, और स्ट्रैप की क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है, आप थिकनेस देख सकते हो स्ट्रैप की, और बिल्ड क्वालिटी भी स्ट्रैप की काफी अच्छी है, और जो डायल है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को सही लगी। तो ऑन करने के बाद फायरबोल्ट लिखा आता है यहाँ पे और आपकी वॉच बूट हो जाती है। इस वॉच के अंदर आपको 1.28 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है जिसका रेजोल्यूशन 240x240 है। तो डिस्प्ले मेरे को इसकी ठीक लगी, मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस अगर बताऊं, ब्राइटनेस के निट्स तो मुझे पता नहीं है, बट इंडोर में और आउटडोर में भी यूज करके देखा, मेरे को कुछ खास ऐसी दिक्कत लगी नहीं है ब्राइटनेस को लेके। हाँ, कुछ ज्यादा सनलाइट में अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा बहुत आपको शेड की जरूरत होगी, वरना यूज करने में कोई दिक्कत लगी नहीं मुझे। और इसके अंदर जो स्ट्रैप है वो सारी स्मार्ट वॉच की तरह रिमूवेबल स्ट्रैप है, दूसरी लगानी हो, कोई और फैंसी स्ट्रैप लगानी हो, अपने हिसाब से चेंज करनी हो तो आप इसमें आराम से चेंज कर सकते हो। तो ये वॉच भी दाफिट ऐप से पेयर होती है, दाफिट ऐप को प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में मिल जाएगी, उससे आपको इसको पेयर करना है और बहुत ईजी है, नॉर्मल जैसे सारी वॉचेस पेयर होती है वैसे इसके अंदर पेयर कर लेना आपको। और ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के लिए आपको इसको अंदर जाके ब्लूटूथ मेन्यू में पेयर करना पड़ेगा, ये इसका मॉडल नंबर है, यहां से भी आपको पेयर करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कॉलिंग वगैरह के फीचर्स अनलॉक कर पाओगे। और कॉलिंग फीचर के साथ साथ आप इसके अंदर गाने भी चला सकते हो, जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दोगे ना तो म्यूजिक भी आपको वॉच से सुनाई देगा, और अगर आपको वॉच से नहीं सुनने गाने तो सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ में मीडिया ऑडियो को ऑफ कर दो, और एक बार आपको स्पीकर सैंपल सुनवाता हूं कि कैसी साउंड इस वॉच की है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी लाउड है। तो मेरे को ठीक लगे स्पीकर, जितनी बड़ी वॉच है उसके हिसाब से इतने ही स्पीकर डल सकता था इसके अंदर, आपको बढ़िया कोई डीजे तो नहीं चला देंगे इसके अंदर, एकदम बढ़िया लगावे तो लिपस्टिक, क्या बोलता हूं यार मैं। तो अब वॉच के यूआई पे नजर मार लेते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। तो जब आप वॉच को सबसे पहले बूट करोगे तो कुछ ऐसी फ्रंट स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने, और आप इसके वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हो। आप इसकी स्क्रीन को होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे आपको 4 वॉच फेसेस मिलेंगे शुरू शुरू में जिसको आप चेंज कर सकते हो, और इसकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने गिने तो नहीं है पर मुझे तो ऐसा लग रहा है 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला वॉच फेस हमें लगाना है, यहाँ पे हम जैसे डाउनलोड का बटन दबाएंगे और यहाँ वॉच में भी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, और आप ये देख सकते हो ये वाला वॉच फेस हमारी वॉच के अंदर आ गया, और जैसे ही वॉच फेस आप इसकी ऐप में चेंज करोगे ना बिल्कुल इंस्टेंटली चेंज हो जाते हैं आपके फोन में। और एक वॉच फेस 4 वाला है जिसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई कलर चेंज करना हो, टाइम की पोजीशन चेंज करनी हो, और अगर आपको इस पे कस्टमाइजेबल इमेज लगानी हो तो आप उसको कस्टमाइजेबल इमेज भी लगा सकते हो, अपनी कोई भी इमेज लगानी हो कुछ भी, जैसे मैंने अपनी यहाँ पे इमेज चेंज करी तो वॉच में भी मेरी इमेज आ गई है। तो अगर मेन स्क्रीन से आप लेफ्ट स्वाइप करते हो यहाँ पे आपको पूरा मेन्यू मिल जाएगा, यहाँ पे जितने वॉच के फीचर है वो सारे एक ही जगह दिए हैं, और अगर स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, और कौन कौन सी ऐप की नोटिफिकेशंस आपको लानी है वो सारी आप इसमें से ऑन कर सकते हो, तो वो सारी नोटिफिकेशंस आपको आपकी वॉच पे मिल जाएंगी। और अगर ऊपर से स्वाइप डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको थिएटर मोड मिल जाता है, ब्राइटनेस,
वाइब्रेशन, वेदर और सेटिंग्स। और सेटिंग्स में भी वही बेसिक ऑप्शन मिलते हैं, स्टॉप वॉच, अलार्म, काउंट डाउन, ब्राइटनेस और जो बाहर आपको मिल जाते हैं, कॉल रीसेट करना हो, फोन वाला ऑप्शन ऑन ऑफ रखना हो कि आपको कॉलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, वही थिएटर वाला ऑप्शन मिल गया, वाइब्रेशन मिल गया। और यहाँ पे आप रीसेट वगैरह कर सकते हो, पावर ऑफ और बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। और मेन स्क्रीन से लेफ्ट स्वाइप करोगे तो फुटस्टेप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपको स्लीप साइकिल के ऑप्शंस मिल जाते हैं। और एप्लीकेशन में सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं जो इसके वॉच के अंदर है, जैसे ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट, स्लीप वगैरह, स्टेप वगैरह सब इसके अंदर आपके आ जाएंगे। और वॉच का फर्मवेयर अपग्रेड करना वो भी यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है। हार्ट रेट के लिए मैं आपको वॉच पे रिलाई करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि हार्ट रेट एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपकी बॉडी में, कुछ भी है, और आप वॉच को देख के कहो कि हाँ मैं ठीक हूँ या फिर अब मैं नॉर्मल हो सकता हूँ या कुछ भी है, मतलब समझ रहे हो ना, वो चीज थोड़ी सी क्रूशियल हो सकती है आपकी बॉडी को लेके। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, वॉच पे ट्रस्ट मत करना। ऐसा नहीं है कि वॉच गलत बताएगी, बट ये भी नहीं कह सकते वॉच बिल्कुल ही सही बताएगी। तो जहां पे जान की बात आती है वहां पे बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, समझ रहे। फिर यहाँ पे आपको एक्सरसाइज ऑप्शंस मिलते हैं, और यहाँ पे आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल सब दिखाई दे जाता है। इसके अंदर स्विमिंग का ऑप्शन नहीं दिया है, तो उससे आप समझ सकते हो वाटर प्रूफ नहीं है वॉच। IP67 रेटिंग है, वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। हाँ, IP67 में 1 मीटर तक आप डुबा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कूद फांग जाओगे पानी के अंदर और नहा धो लोगे अपना, तो भाई खराब हो सकती है वॉच। उसके बाद मेरे को फोन ऑप्शंस मिल जाते हैं, रीसेंट कॉल, डायल पैड एंड कॉन्टैक्ट्स। और इसके अंदर आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि सारे कॉन्टैक्ट्स ही सिंक हो जाएंगे आपके, तो मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स आप इसके अंदर सेव कर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं। और वैसे 8 से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, और वॉच के अंदर वैसे भी आप सर्च तो कर नहीं सकते कॉन्टैक्ट्स को, क्योंकि और वॉचेस भी मैंने टेस्ट किए हैं, कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट हो जाते हैं सारे के सारे कुछ वॉच में, बट उसमें सर्च ऑप्शन नहीं होता। तो मान लो 1000 कॉन्टैक्ट्स है, स्वाइप डाउन थोड़ी करते रहोगे। तो इसके अंदर आप 8 अपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर लो थ्रू ऐप, और उसके बाद आपको जिसको कॉल करनी हो फटाफट से वॉच में गए और कॉल लगा दी, ऑन द गो, बढ़िया चीज है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, इसके लिए भी मैं कहूंगा कि डॉक्टर को कंसल्ट करो, वॉच पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। SpO2 मीटर मिल जाएगा इसके अंदर आपको, वेदर आपको मिल जाएगा प्रॉपर। अगले एक हफ्ते तक हमारे यहाँ तो पूरी बारिश वारिश शो कर रहा है, आपके शहर में क्या है कॉमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे शटर ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस पे क्लिक करके इसकी ऐप के थ्रू आप फोटोज ले सकते हो। उसके बाद म्यूजिक प्लेयर ऑप्शन मिल जाता है, यहीं से आप प्ले पॉज कर सकते हो, और नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक भी आप इससे ही कर सकते हो वॉच से कंट्रोल्स। तो बढ़िया गाने वाने बदले जा सकते हैं, फोन निकालने की जरूरत नहीं, जेब से आपने वायरलेस कनेक्ट किए हुए अपने ईयरफोन्स वगैरह, यहीं से गाने चेंज कर लो, फुल आसानी लाइफ में। इस वॉच का जो वेट है वो 60 ग्राम्स है, और स्मार्ट वॉच के हिसाब से 60 ग्राम्स कोई ज्यादा वेट नहीं है। मैंने इसको आराम से यूज किया 1 दिन, मेरे को पहनने के बाद कोई भारी नहीं लगी। फिर मेनली बात आती है बैटरी बैकअप को लेकर, जब भी आप ऐसी एक्सेसरी परचेज करते हो, फिर चाहे ईयरफोन हो, वॉच हो, कुछ भी हो, बैटरी बैकअप जानना भाई बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ब्लूटूथ मोड पे यूज करते हो या मतलब कॉलिंग मोड पे यूज करते हो, 5 दिन का आपको बैटरी बैकअप दी जाएगी अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग मोड पे यूज करोगे, और 10 दिन का बैकअप मिलेगा अगर आप इसका कॉलिंग मोड डिसेबल कर देते हो। और जो दोनों बैकअप मैंने आपको बताया वो ही इनके ऑनलाइन मेंशन है, और वो ही रियल टाइम देती है, बिल्कुल झूठ मेंशन नहीं किया कंपनी ने। और अगर ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के बारे में बताऊं, तो जैसे इसके अंदर कॉल आएगी आप इसको कॉल को अटेंड भी कर सकते हो, कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो स्क्रीन से, और कॉल को अटेंड करने के बाद राइट साइड से इसकी वॉल्यूम भी मैनेज कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो, और उसके बाद डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी माइक की क्वालिटी टेस्ट कराता हूँ कि अगर आपको कोई कॉल आएगी या बात करोगे इस तरीके से तो कैसी आवाज आपके सामने वाले इंसान को सुनाई देगी। सो गाइस, अब जो आवाज सुन रहे हो वो इसके वॉच के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और वॉच को मैंने PC से कनेक्ट किया हुआ है रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि फोन के रिकॉर्डर में इसका माइक डिटेक्ट नहीं हो रहा था। और ये साउंड क्वालिटी है, बता देना कैसी लगी कमेंट करके। तो यार ये तो था इसका पूरा रिव्यू, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और कुछ कॉन्स की। मुझे इसके अंदर मेजर 2 कॉन लगे जो पर्सनली मुझे फील हुए, तुम्हारे को कुछ और फील होगा तो कमेंट करके बता देना। पहला, IP67 रेटिंग है, मैं IP68 एक्सपेक्ट कर रहा था, 5000 की वॉच ले रहे हैं तो IP68 कम से कम देनी चाहिए थी, मैं पर्सनली फील करता हूँ। दूसरा, फाइंड फोन का फीचर नहीं है, आप दाफिट ऐप में जाके फाइंड वॉच करोगे तो वॉच वाइब्रेट करती है, वॉच के अंदर भी कोई साउंड नहीं बजती, जबकि इस वॉच में स्पीकर भी है, स्पीकर बजना चाहिए था, तो फाइंड वॉच का भी एक कॉन हो गया। और फाइंड फोन का तो फीचर ही नहीं है वॉच में, कि आप वॉच में कुछ टैप करो कि आपका फोन कुछ बीप करे या अलार्म टाइप साउंड आए जिससे आप अपना फोन ढूंढ सको अपने घर में। तो ये 2 मेजर कॉन्स मुझे लगे, बाकी ओवरऑल वॉच सही है, राउंड डायल में है, काफी अट्रैक्टिव लगती है पहन के। और आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में मेरे को कमेंट करके बताना, और जो लोग यूज कर रहे हैं कोई प्रोज या कॉन्स या कुछ ऐसी चीज उन्होंने फील करी हो जो शायद मेरे को पता नहीं लगी और मैं वीडियो में नहीं बता पाया, वो भी कमेंट करके बताना, और लोगों की हेल्प हो जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना था यार, मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।